फ्रेंड नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू आई एम बॉय ट्रांसफॉर्मेशन एंड आई एम योर ऑनलाइन बॉय ट्रांसफॉर्मर महेश नेगी। सो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं बात करूंगा सिक्स पैक की। सिक्स पैक कैसे एक बिगनर अचीव कर सकता है, उसको क्या क्या करना चाहिए, चाहे वो डाइट हो चाहे वो ट्रेनिंग हो, बेसिक से शुरू करते हैं। और मेरे साथ हैं आज करण, और करण डेमोस्ट्रेट करके दिखाएगा आपको एक्सरसाइजेस, साथ साथ में मैं आपको बताता रहूँगा कि आपको सिक्स पैक एक बिगिनर कैसे करके कुछ ही टाइम में, अगर वो अच्छी ट्रेनिंग करे और सिस्टमेटिक वे से ट्रेनिंग करे, एक डिसिप्लिन में रहे, तो कैसे करके वो अचीव कर सकता है अपना गोल। सो सबसे पहले आपको मैं बात कर रहा हूँ हमारे बेसिक एक्सरसाइज की, जो कि है फर्स्ट क्रंचेस। तो अगर बिगिनर इसको देख रहा है तो ऐसे करके वो अपना लेग का प्लेसमेंट कर सकता है। एंड इसमें मैं दो वेरिएशन दूंगा आपको। तो फर्स्ट वेरिएशन ये है क्रंचेस। अभी काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम क्या हो रही होती है कि कई लोगों को नेक में पेन हो रहा होता है, तो गाइस उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि प्रॉपरली अपने हैंड्स को प्लेस करें अपने नेक के पीछे और तब उठें। और ध्यान रखें कि जो चेस्ट है अपना, चेस्ट को ऊपर लेके जाएं, ताकि जो आपका एब्स का कॉन्ट्रैक्शन है वो प्रॉपरली हो। यस, सो बिगनर्स 3 सेट्स 20 रेपिटेशन और वीक में 3 टाइम्स 2 to 3 times एब्स को ट्रेन करेंगे, तो डेफिनेटली उनका जो है जो एब्स का जो मसल है वो डेवलप हो जाएगा। यस, और ठीक है, स्टॉप कर दें। सो गाइस, सेकेंड एक्सरसाइज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है आपकी लेग रेजेस। अब काफ़ी जो बिगनर्स हैं वो क्या गलतियाँ करते हैं वो हम पहले देखते हैं। अब वो अपने लेग्स को लिफ्ट तो करते हैं, बट वो अपने लेग को डाउन लेके जा रहे होते हैं, जिससे कि उनकी लोअर बैक हिट कर सकती है और लोअर बैक में पेन स्टार्ट हो जाएगा। अगर लोअर बैक में पेन स्टार्ट हो गया तो फिर आपका एब्स बनाने का सपना अधूरा रह जाएगा। तो इसमें आप क्या चेंजेस करेंगे, आपको दोनों लेग्स को लिफ्ट करना है, थोड़ा सा सॉफ्ट नी बेंड होगा और इसको अपने चेस्ट की तरफ पुल करें अप। अभी बिगनर्स स्टेज में आपके हिप लिफ्ट ज़रूर होंगे, क्योंकि मसल टाइटनेस भी हो सकती है और मसल इम्बैलेंस भी हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि फ्लोर पे आपके जो हैं ग्लूट्स प्रॉपरली प्लेस रहें और आप जस्ट लेग को ऊपर की तरफ रेस करते रहें। इसके भी आप 15 to 20 reps आप कर सकते हैं, और वीक में इसको भी आप 2 to 3 times ट्रेन करें, तो डेफिनेटली आपके लोअर, वैसे लोअर एब्स होता नहीं है बिकॉज हमारा जो मसल है वो एक सी शेप में बना हुआ है। तो बट अगर आप इस तरह से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो लोअर पैक्स हिट करेंगे, और जब लोअर पैक्स आपके हिट करेंगे तो वहाँ का मसल डेवलपमेंट अच्छा होगा। थर्ड एक्सरसाइज स्टॉप कर छोड़ दे करूँगा। सो गाइस, बेसिक एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं और उसी को हम एडवांस में लेके जाएंगे बिगनर्स के लिए। सो फर्स्ट वीक में जो बिगनर्स हैं वो क्या करेंगे, एयर बाइक यानी कि साइकिलिंग। हाँ, यस, फुल पैडल। सो इसके 30 reps इन आउट विद एक्सहेल और इनहेल करेंगे, तो डेफिनेटली आपको आपके मसल्स में बर्न फील होगा, और डेफिनेटली ये फैट बर्न करने के लिए भी और आपके मसल्स गेन करने के लिए भी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज होगी। अगर इसमें प्रोग्रेशन करना है, थोड़ा सा इसको इंटेंस बनाना है, तो हैंड्स पीछे रहेंगे एंड इसको आप लाइक एयर बाइक। यस। तो नॉट ओनली इसमें आपके एब्स, बट इसमें आपके ओब्लिक्स भी वर्क करेंगे। कम ऑन, हाँ, यस। सो नाउ लास्ट एक्सरसाइज। सो गाइस, लास्ट एक्सरसाइज जो हम परफॉर्म करने जा रहे हैं उसे कहते हैं प्लैंक। काफ़ी वीडियोस मैंने इसमें इससे पहले बना रखी हैं इस पर, तो जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी प्लीज़ जाके देख सकते हैं, स्पेसिफिक प्लैंक की वीडियो है। अभी बिगनर्स क्या मिस्टेक कर रहे थे कि वो टाइमर लगा लेते हैं या वॉच लगा लेते हैं और काफ़ी घंटों या काफ़ी मिनट्स तक इस पोजिशन में खड़े होते हैं। उसको खड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको इस पोस्चर को मेंटेन करना है, आपका ओब्लिक्स आपका कोर अंदर होगा और आपके ग्लूट्स जो हैं टाइट होंगे। इंगेज करो ग्लूट्स को, यस, तब जाके आपका प्लैंक सक्सेसफुल है। अदरवाइज आप घंटों बैठे रहो कोई फ़ायदा नहीं होगा।
सो आई होप गाइस आपको ये चार एक्सरसाइज जो मैंने बेसिक एक्सरसाइज बताई बिगनर्स को, ये हेल्प करेंगी डेफिनेटली। आप इनको प्रैक्टिस कीजिए ग्रेजुअली, 2 से 3 महीने के अंदर विद अच्छी डाइट कंट्रोल के साथ आप अपने एब्स की विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको डाइट भी ध्यान रखनी पड़ेगी, अपनी ट्रेनिंग को ना भूलें, कार्डियोवैस्कुलर थोड़ा बहुत करते रहें और प्रोग्रेशन में चलते रहें, तो डेफिनेटली आपको 2 से 3 महीने के अंदर रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।